26 वर्ष की एक ऐसी लड़की जो बीजेपी की सल्तनत पर भारी पड़ गई। वो भारी इसलिए पड़ गई क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है भरतपुर, और भरतपुर से जिस तरह से दो बार से बीजेपी लाखों से ज़्यादा मार्जिन लेकर जीत रही थी, लेकिन इस लड़की संजना जाटव ने बीजेपी को धूल चटा दी, 51,983 मतों से जीत गई। संजना जाटव वह लड़की है जो कठुमर से विगत विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन किस्मत खराब थी, 409 मतों से वो चुनाव हार गई थी, लेकिन किस्मत बुलंद थी, कुछ महीने बाद टिकट दिया और चुनाव जीत गई हैं। संजना, सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप विधानसभा में चुनाव हार गई थी, सदमा लगा था क्या? बहुत ज़्यादा सदमा भी इस तरीके से लगाया क्योंकि हम सब ने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और जनता ने इतना ही प्यार जताया है जैसे इस चुनाव में जताया है, तो सदमा तो था, पर पार्टी ने मुझ पे दोबारा विश्वास किया है, इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जनता ने हालांकि अब आपको जीवन दान दे दिया, आप लकी है। ये पूर्व विधायक भी आ गए, बाजूबली जी, इनसे भी बात कर लेंगे। ये जो आपकी जीत है, क्या लगता है? बीजेपी का माहौल बता रहे थे, मोदी लहर बता रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का होम टाउन भी है, खत्म कर दिया सब कुछ। देखो, ये आपको बताऊं, पार्टी की है, अपने इसमें आलाकमान जो ने फैसला लिया था, जो अच्छे, मैं तो बहुत दलित समाज से हूँ, उन्होंने पहली बार दूसरी बार मौका जताया है मुझ पर, तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जीत मेरी नहीं, ये तो असत्य पे सत्य की जीत हुई है। तानाशाही इन लोगों ने कर रखी थी बहुत ज़्यादा, और मैं तो सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे जो भरतपुर की आन बान शान आदरणीय महाराज साहब है, अपने जिलाध्यक्ष साहब हैं, और विधायक साहब हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, इन्होंने और समस्त सरदारी ने बहुत अच्छे से ये चुनाव लड़ा था और उनकी जीत हुई है। ठीक है, चलना बैठिएगा। वाजिब अली हैं हमारे साथ, जो नगर से विधायक रहे थे, लेकिन कुछ मतों से, महज कुछ मतों से वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। वाजिब जी, मतलब ये मान लीजिए पूर्वी राजस्थान तो खाली कर दिया कांग्रेस ने। देखिए, ये एक जनादेश जनता ने जो दिया है, वो यहाँ के जो लोकल इश्यूज थे, हम अपने भरतपुर की बात करें तो जो भरतपुर के लोकल इश्यूज थे वो काम आए। जनता यहाँ की एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन चाहती थी, और जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं मुख्य तौर पर, चाहे वो ERCP की बात हो, चाहे वो धौलपुर और भरतपुर के जाटों के आरक्षण की बात हो, तो यहाँ लोगों के अंदर जो लोकल मुद्दे थे वो बहुत हावी रहे। और उन्होंने ये सोचा कि हमारी आवाज़ सबसे बेहतर कौन बन सकता है। हमारी बहन संजना बहुत काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, और उनकी कार्यशैली इस तरह की रही है, उनसे उन लोगों ने उम्मीद जताई है कि वो संसद में जाके यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको, आवाज़ को संसद में बुलंद करेंगी। और जो सरकार का एक रवैया रहा, इस सरकार का एक अहंकारी रवैया पिछले 6 महीने से चल रहा है, जनता ने कहीं ना कहीं उसका जवाब दिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लीड संजना ने दी है वो नगर और कामा से दी है, वो आपका इलाका भी है। बिल्कुल, नगर के अंदर जहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले जीती है, वहाँ से आज 17,000-18,000 से हारी है, तो निश्चित तौर पर जनता ने जवाब दिया है कि आपको जनादेश देने का मतलब ये नहीं है कि आप हम पे जो है तानाशाही करो। जनता की आवाज़ को सुने, लोकल मुद्दों को सुने, आम आदमी की आवाज़ को सुना जाए। और निश्चित तौर पर बहन संजना जी के रूप में भरतपुर को एक अच्छा नेतृत्व मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की संसद के अंदर भरतपुर की आवाज़ मजबूती से उठेगी, और जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो NCR में भरतपुर का होना हो जिसे कोई लाभ नहीं मिला, चाहे वो ERCP की बात हो कि MOU पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो ये झूठी लॉलीपॉप दुनिया को दे रहे हैं, और चाहे वो धौलपुर भरतपुर के जाट आरक्षण की बात हो, या भरतपुर के यहाँ लोकल जो युवा बेरोजगार हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे, चाहे उनकी बात हो, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी बहन पढ़ी लिखी है, काबिल है, युवा है, हमसे रिलेट करती है, बेरोजगारी को समझती है, आम जनता की आवाज़ को समझती है, और एक बहुत मजबूत आवाज़ हिंदुस्तान की संसद में गूंजेगी। राजस्थान में एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि साहब कांग्रेस ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएगी, बीजेपी कहती थी स्वीप की स्वीप कर देंगे फिर से तीसरी बार, मुख्यमंत्री खुद भी आए 5-5 लाख से जीतेंगे, लेकिन धो डाला। आखिर जनता, क्या कांग्रेस से जो विधानसभा चुनाव में हरा दिया था, लेकिन जनता को आखिर अब क्यों ऐसा आना पड़ा कि कांग्रेस को साथ देना पड़ा? देखिए, अब कई चुनाव लोकल लेवल पे और जब केंद्र लेवल पे होते तो अलग होते हैं। अब ये चुनाव जो देश ने लड़ा है, ये पूरे देश ने, आम जनता ने चुनाव लड़ा है। भरतपुर के अंदर हम देखें तो बहन संजना जी के नेतृत्व में आम जनता ने अपने आप को कैंडिडेट समझा और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और ये जो 400 की पार की बात करते थे, जो मीडिया के एग्जिट पोल थे, ये कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन था, और शेयर बाजार में लोगों का पैसा डुबाने का मैनिपुलेशन था। 3 दिन पहले जब एग्जिट पोल आए तो अडानी ने सबसे ज़्यादा गेन किया,
आज सेंसेक्स $2,000 नीचे गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े आदमियों का बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं जो हम पूर्ण रूप से विश्वास है कैसी कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी केंद्र के अंदर, इन सबकी जांच होगी और आप पाएंगे कि इन लोगों ने कैसे सत्ता का, मीडिया का, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। तो जनता ने उसका आवाज़ दिया, अपना गुस्सा व्यक्त किया है।